फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैमरा कुकिंग विद जया। मैं आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई नवरात्रि स्पेशल आलू के बड़े। देखिए, ये आलू के बड़े कितने ही दिखने में स्वादिष्ट लग रहे हैं और बड़े ही यमी लग रहे हैं। इसको मैंने परोसा है मूंगफली की चटनी के साथ। और दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से कर दीजिएगा और पास ही बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। व्रत के आलू बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया हुआ आधा कटोरी के करीब सिंघाड़े के आटा। अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा नहीं है तो आप कुट्टू का आटा या राजगिरा का आटा भी ले सकती हैं। और यहाँ पे मैंने मध्यम आकार के चार उबले हुए आलू लिए हैं। स्वाद अनुसार सेंधा नमक है, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, एक मीडियम आकार का कद्दूकस किया हुआ अदरक है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। दोस्तों, अगर आप व्रत में जीरा खाते हैं तो आप इसमें जीरा का उपयोग कर सकते हैं। मैं आलू को छील लूंगी। इस तरह से आलू को छील कर मैं तैयार कर लेती हूँ। देखिए, आलू छील कर इसी तरह से मैं बाकी के आलू भी छील कर रेडी कर लेती हूँ। आलू छील कर रेडी हो गए हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और स्वाद अनुसार सेंधा नमक। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप व्रत में जीरा लेते हैं तो इस स्ट्रक्चर में आप जीरा भी डाल सकते हैं। अब इसे मैं हाथ से अच्छे से मसल कर मैश कर लूंगी। ये देखिए, अच्छे से टक्चर तैयार हो गया है। यहाँ मिक्सचर मेरा तैयार हो गया है। ये देखिए, ये टक्चर मेरा तैयार हो गया। अब इससे मैं आलू बड़े बनाना शुरू करूंगी। इसको मैं इस तरह से डिवाइड करूंगी, छोटे छोटे बॉल बनाऊंगी इस तरह से, इस तरह से, और इसको इस तरह से मैं, आप चाहे तो इसे राउंड रख सकते हैं, आप चाहे तो इसे प्रेस करके टिक्की भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टिक्की शेप पसंद है तो आप टिक्की भी रख सकते हैं, और आलू बड़े को जो है गोल बनाना चाहे तो आप इसे गोल भी बना सकती हैं। दोनों तरह से आप बना सकते हैं। मैं रेडी करके रख लेती हूँ। देखिए, मैंने आलू बड़े बनाने के लिए इसकी टिक्की बनाकर रेडी कर लिया है। और अब एक बड़े से बाउल में मैं यहाँ पर सिंघाड़े का आटा जो मैंने लिया था आधा कटोरी के करीब, वो ले लेती हूँ। मैंने जैसा कि बताया है कि सिंघाड़े के आटे की जगह आप यहाँ पे कुट्टू का आटा और राजगिरा के आटे का भी उपयोग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूंगी नमक और धीरे से मैं इसमें पानी डालूंगी और पानी डालकर मैं इसका घोल तैयार करूंगी। गोल बनाते समय हमें काफी सावधानी से करना है, ये ज्यादा गीला ना हो जाए। इससे काफी धीरे धीरे पानी डाल के हमें इसका बैटर तैयार करना है। बैटर इतना थिक होना चाहिए कि हमारे आलू के वड़े अच्छे से इसमें डीप हो जाए। देखिए, इस तरह से, यानी आधा कटोरी के करीब जो मैंने सिंघाड़े का आटा लिया था उसमें केवल मुझे लगता है मैंने एक चम्मच ही पानी डाला और ये बैटर बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है और अब मैं आलू वड़ा बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने जो घोल लिया था उसमें आलू की टिक्की को डालूंगी और अच्छे से कोट करूंगी। जैसे हम आलू वड़ा बनाते हैं नॉर्मली, वैसे ही इसे स्ट्रक्चर पे डीप करना है। और ये देखिए, गर्मा गर्म तेल में छोड़ना है। ये देखिए, चलिए और एक हम आलू बड़े डीप करके बनाते हैं। इसमें ध्यान रहे ये आपस में चिपके नहीं, इससे सावधानी पूर्वक एक एक करके हम आलू बड़े डालेंगे। तो चलिए, अब हम आलू के बड़ों को दूसरी तरफ से भी पलट के तल लेंगे ऐसे। देखिए, ये देखिए, इस तरह से।
तो चलते हैं दूसरी तरफ भी देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल तल के रेडी हो गए हैं, ये देखिए व्रत के आलू बड़े बनकर तो रेडी हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए आलू के बड़े, तो देखा आपने दोस्तों कितनी आसानी से ये आलू के बड़े बनके तैयार है व्रत वाले। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कीजिएगा और मेरी रेसिपी को देखकर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।